मैं आरबी सर आप सबको ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में चलते हैं जो कि जोड़ का नियम है। जोड़ना किसी भी संख्या को जोड़ना हो, बस ध्यान रखने वाली बात एक चीज होगी कि वो संख्या समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। अगर वो संख्या समांतर श्रेणी में है तो हम किसी भी संख्या का योगफल बता सकते हैं, और उसके लिए आप कह सकते हैं योगफल बराबर होगा पहला पद उस संख्या का जो जोड़ रहे हैं उसका पहला पद अंतिम पद बटा दो गुणे पदों की संख्या। इसी भी अगर इस फार्मूले के आधार पर किसी भी संख्या का आप योगफल निकाल सकते हैं। बस ध्यान देने वाली एक चीज जरूर बात ध्यान रखिएगा जो कि संख्या समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। अब यहां से बात करते हैं संख्या पदों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए होता है पदों की संख्या बराबर होगा अंतिम पद, अंतिम पद को पहले पद से घटा देंगे सर्वांतर से भाग देकर एक जोड़ देते हैं, उससे हम लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं तो हमसे कहा गया 20 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा या योगफल क्या होगा। अगर इसको आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, कह रहा है 20 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इसके लिए हमारे लिए पहला पद क्या बनेगा, तो 20 बन जाएगा पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद क्या होगा 50 होगा बटा दो गुणे पदों की संख्या। गुणे पदों की संख्या निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे, अंतिम पद को प्रथम पद से घटा दिया, सर्वांतर प्राकृतिक संख्याओं के बीच जो होता है सर्वांतर जो होता है वो एक होता है, एक से भाग देकर एक जोड़ देंगे। 30 से घटाएंगे तो 30, 30 में एक से भाग दिया जाएगा 30 ही आएगा प्लस 1 बराबर 31। यानी हम कह सकते हैं कि 20 से लेकर 50 तक अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो 31 होती है, यानी पदों की संख्या कितनी आई 31। तो यहाँ पे आप गुणे 31 कर सकते हैं, इसको आप जोड़ेंगे तो 70 बटा 2 गुणे 31 गुणनफल जो आएगा वो आप गुणा कर लेंगे 35 105 108 1085। यानी 20 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1085 होगा। समझ में आया, यहां से ध्यान रखिएगा आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, पहली कि पहला पद हमारे लिए क्या होगा और अंतिम पद क्या होगा, इसी के आधार पे हम लोग ध्यान रखिएगा पदों की संख्या निकाल लेते हैं। जो कि ये सर्वांतर अगर आपसे कंफ्यूज करेगा तो सर्वांतर मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, वो संख्या पर निर्भर करेगा उन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जहां हमने सभी प्राकृतिक संख्या लगाया था उसकी जगह अगर हम सभी सम प्राकृतिक संख्या कर दें, सम प्राकृतिक संख्या कर दें या फिर विषम प्राकृतिक संख्या कर दें, तब भी इसका ध्यान रखिएगा योगफल निकाला जा सकता है। जैसे उदाहरण में आपको देखिए 20 से लेकर 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब भी हम लोग क्या करेंगे, पहला सम पद क्या होगा 20, पहला सम पद 20 होगा, अंतिम सम पद क्या होगा 50। अगर आपको सम पदों की संख्या पहचानने में है तो इसके पहले वाला आप क्लास देख सकते हैं जिसमें हम लोग सम और विषम सभी संख्याओं के बारे में चर्चा की थी। अब यहां से देखिए पहला सम पद 20, अंतिम सम पद ध्यान रखिएगा 50 बटा दो गुणे पदों की संख्या। फिर वही क्वेश्चन आया पदों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी का यूज करके हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे पहला पद हमारे लिए अंतिम पद का था 50 था, पहला पद 20 था, सर्वांतर यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं में सर्वांतर दो का होता है क्योंकि दो के बाद अगला प्राकृतिक संख्या सब संख्या 4 आएगी, 4 के बाद 6 आती है, इसलिए सर्वांतर दो का होगा प्लस 1। इसको यहां से घटाएंगे तो 30, 30 को 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे, यानी कितना आएगा 16। यानी हम कह सकते हैं 20 से लेकर 50 तक सम पदों की संख्या कितनी होगी, सम प्राकृतिक संख्याओं की कितनी संख्या होगी, तो वो होगी 16। यहां गुणे 16 कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे 70 गुणे 8 बराबर 560। ठीक, यहां से यही चीज है। ऐसे ही आप विषम संख्याओं का भी कर सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं ये योगफल, ये योगफल हम किसी भी संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। बस एक चीज माइंड में आपको जरूर रखना है कि वो संख्या समांतर श्रेणी में है।
पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन सी संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्याएं ये भी समांतर श्रेणी में आती है, सम संख्याएं विषम संख्याएं ये भी प्राकृतिक संख्या में आएगी, लेकिन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो किसी को हम लोग ध्यान रखिएगा ऋण संख्या भी कहते हैं, या भाज्य संख्या हो ये सब प्राकृतिक संख्याओं के जन्म समांतर श्रेणी के दायरे में नहीं आती, इसीलिए इसका योगफल इस विधि से नहीं निकाला जा सकता। वैसे भी आगे भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं, आपको बताया कि जैसे सम का तो हो गया, अगर हमें विषम का निकालना हो, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो यहीं से आप लोग क्या करेंगे, हमारे लिए पहला विषम पद क्या हो जाएगा, तो 21 21, अंतिम क्या हो जाएगा 49/2 गुणे पदों की संख्या, फिर वही अंतिम पद को आप प्रथम पद से घटाएंगे, सर्वांतर दो का ही होगा क्योंकि विषम विषम में दो ही का होता है, और प्लस वन कर देंगे इसको, इससे बाकी घटाएंगे तो 30 28/2 + 1 14 + 1 = 15, यानी कह सकते हैं कि 20 से 50 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 15 × 15 कर देंगे। अब ये इसको साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70/2 × 15 अर्थात 35/15, 15 × 75 15 × 45 = 7, ठीक, यानी 20 से 50 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 525, जबकि इसके पहले आपने निकाला था 20 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल भी आ गया था, अगर सम और विषम की कैटेगरी को नहीं बांटता है, सभी का इस्तेमाल करता है, तब भी इसको लगाने की विधि यही होती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जामों में ज्यादातर हमने आपको बताया कि पदों की संख्या काउंट करना पूछता है कि पद कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या काउंट करना होगा, तो पदों की संख्या काउंट करने का यही है, जैसे कभी कभी हम लोगों से पूछा जाता है कुछ गुणज संख्याएं, जैसे हमसे कह दिया जाए दो अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, दो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग इसी को इसी विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहली दो अंकों वाली संख्या 10 होगी, अंतिम 99 होगी, फिर वही अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे, सर्वांतर एक का होगा और एक जोड़ देंगे, यानी 89 और एक जोड़ेंगे 90, यानी हम कह सकते हैं दो अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 90 होगी। ऐसे ही आपको कभी कभी गुणज में भी पूछ लेता है, जैसे आप देखिए, जैसे उसने कह दिया 100 से 300 तक दो और तीन से विभाजित होने वाली, दो और तीन से विभाजित होने वाली या विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या क्या होगी, तो ये भी इसका तरीका यही होगा, जो संख्या दो और तीन से वही विभाज्य होगी जो 6 से विभाज्य होगी, तो यानी हम कह सकते हैं 6 से विभाजित होने वाली पहला पद क्या होगा, तो 102 होगा, क्योंकि 106 का गुणज है नहीं, 101 6 का गुणज है नहीं, 106 का गुणज है, इसकी पहली 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होगी, 102, अंतिम 300 होगी। अब आपको पदों की संख्या का निकालना है, तो अंतिम पद को आप प्रथम पद से घटा देंगे, यहां सर्वांतर हमने बताया कि दो पदों के बीच का अंतर, यहां दो पदों के बीच का अंतर 6 होगा और एक जोड़ देंगे, तो इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, 198/1 = 33 + 1 = 34 यानी हम कह सकते हैं कि 100 से 300 तक दो और तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 34 = 34 होगी। तो यही सब होता है, इसका हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का योगफल निकाल सकते हैं, यही दो माध्यम होते हैं, योगफल निकालने के माध्यम अलग अलग बहुत से होते हैं, लेकिन वहां पर ध्यान रखिएगा वो कंडीशनल होते हैं, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं, किसी भी संख्या का योगफल आप निकाल सकते हैं। आगे चलकर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने जैसे बताया कि अगर हमें इन्हीं संख्या का जो हमने आपने संख्या जोड़ा है इसी का अगर आप योगफल निकालते तो जितनी विधि आपको इस पदों की संख्या में निकालना था उसी से आप इसका योगफल भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे कहा जाए कि 100 से 300 तक दो और तीन से विभाज्य होने वाली संख्याओं की का विभाज्य होने वाली संख्या का योगफल क्या होगा, अगर योगफल पूछ रहा है योग करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है,
पहला 6 से विभाज्य होने वाला पद 102 था, अंतिम क्या था जो 300 का बटा दो गुणे पदों की संख्या, जो कि अभी आपने निकाला था। पदों की संख्या कितनी आई? 34। ठीक, यहां से इसको डिवाइड कर देंगे 70। अब इसको इसको जोड़ेंगे तो 402 गुणे 17 और 17 64, 6834। 6834 ये क्या है? 100 से 300 तक दो और तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल है। ऐसे आप हर सवाल का उत्तर दे सकते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो दूसरों से अलग है। बाकी इसके योगफल निकालने के अलग अलग आपको किताबों में अलग अलग मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस विधि से आप इसका योगफल बहुत आसानी से और हर तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा, आप अगली वीडियो के लिए आप इसके आगे जारी रखिएगा।